After 5-hour long classes, what you have to do? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्कड़ बक्कड़ राहुल धाकड़ और ये जो एक्सक्लूसिव सीरीज आप देख रहे हैं मैथ्स डैडी पर। और ऐप डाउनलोड करना ना भूलिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, क्योंकि आपको मिलेंगे यहाँ पर स्टडी मटेरियल और जो हमारा लाइव कोर्स स्टार्ट हो रहा है उसके नोटिफिकेशन। सो जुड़े रहिए मैथ्स डैडी से। शुरू करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप है, बाप है, बाप होता है, बाप बाप होता है, बाप बाप होता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने पिछला वीडियो जरूर देखा होगा, जहां पर हमने बेसिक कुछ और सवाल किए हुए हैं, कॉन्सेप्ट की बात की है। अब आते हैं इस सवाल पर। सो दोस्तों, यहां पर आपको बोला गया है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी और आपको दिया हुआ है T11, 38 एंड T16, 73। ध्यान से सुनिएगा, आपको 31st टर्म चाहिए, मतलब आपको T31 चाहिए। आपको दो टर्म दी हुई हैं, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। T11 को प्यार से क्या बोलोगे आप, राइट? और T16 को क्या बोलेंगे आप? तो इसका मतलब ये तो साइमल्टेनियस इक्वेशन हो गई, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट में सर्च करिए अगर आपको ये सब सॉल्व करना नहीं आता है। हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस वुड बी माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। ए और माइनस ए कैंसिल, यहां पर क्या आया? -5D और यहां पर आएगा आपका 35, दैट टू इन माइनस। और डी की वैल्यू क्या आई यहां पर आपकी, ध्यान से देखिए, यहां पर आई आपकी 7। अब आपके पास डी की वैल्यू आ गई है, आप या तो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो या फिर इस इक्वेशन में। राइट, तो आपके पास ए की वैल्यू आ गई है 32 और डी की वैल्यू आ गई है 7। अब आपको निकालना है T31। नाउ वी हैव टू फाइंड T31, इट मींस ए प्लस 30D। ध्यान से देखिए, यहां पर जब a आपका नेगेटिव में था तो यहां पर T31 माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7 आएगा और यहां पर आएगा आपका आंसर 178। सो दिस इज हाउ वी फाइंड T31। आई होप दिस थिंग इज क्लियर, प्लीज नोट इट डाउन। सो दोस्तों, ये हमारा 5th क्वेश्चन, जहां पर आपको थर्ड टर्म दिया है, 9th टर्म दिया है। आपको पूछा गया है कि ऐसा कौन सा टर्म है जो जीरो आएगा। लेट्स ट्राई इट आउट। अब ऐसा कौन सा टर्म है जीरो आएगा, तो लिखते हैं लेट nth टर्म बी जीरो। शुरुआत करते हैं T3 और T9 से। T3 इज बेसिकली व्हाट? A प्लस ट्वाइस ऑफ D। T9 इज बेसिकली A प्लस 8D। इसको आप साइमल्टेनियस इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस और ये हो जाएगा प्लस, अपोजिट हो जाते हैं साइन, प्लस होता है माइनस, माइनस होते हैं प्लस। A और A कैंसिल, डी की वैल्यू आ गई है आपकी -2। सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसी में भी तो आएगी अपनी ए की वैल्यू। फाइनली ए की वैल्यू क्या आ गई है आपकी 8, डी की वैल्यू आ गई है -2। अब आपको क्या निकालना है, विच टर्म ऑफ एपी इज जीरो। तो हमने लिखा है कि लेट nth टर्म बी जीरो, तो आपको tn मतलब nth टर्म, तो tn हुआ ना, जैसे थर्ड टर्म क्या होता है T3, फोर्थ टर्म क्या होता है T4, तो nth टर्म क्या हुआ tn, वो जीरो है, तो यहां पर डाल दिया अपने जीरो, क्योंकि यहां पर पता था आपको कि भाई tn इज इक्वल टू जीरो। और a की वैल्यू क्या है आपकी, a की है 8 प्लस n माइनस 1, तो आपको निकालना ही पड़ेगा, और d की वैल्यू है -2। Therefore, T5 is equal to 0. आप चाहें तो इसकी जब आप AP बनाएंगे तो आप निकाल भी सकते हैं, देख के कि भाई आपको A पता है, आपको D पता है, तो आपकी 5th टर्म मतलब 1st टर्म, 2nd टर्म, 3rd टर्म, 4th टर्म और जो आएगी 5th टर्म वो क्या आएगी, वो आएगी आपकी 0। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नोट कर लीजिए। सो ये दोस्तों, एक और बहुत प्यारा सवाल आपके सामने आ गया है, जहां पर आपको बोला गया है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। मल्टीपल्स ऑफ 4 मतलब जो 4 के टेबल में आ सकते हैं, 10 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो कि 4 के टेबल में आता है। ऑब्वियस सी बात है 12, 16, 20 एंड सो ऑन। 250 से जस्ट पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 के टेबल में आता है, 248, राइट? इसका मतलब ये सारे नंबर हैं जो कि आपके 4 के मल्टीपल हैं।
अब ये बोल रहा है हाउ मेनी, कितने, एन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है। Tn मतलब क्या होता है? Tn मतलब nth टर्म होता है, राइट। nth टर्म को हम लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, याद रखिएगा आप हमेशा, nth टर्म को लास्ट टर्म भी हम लोग बोल सकते हैं। तो यहां पर nth टर्म क्या है, 248 इज इक्वल टू a क्या है, 12 प्लस n, तो हमको निकालना है ना कितने टर्म्स हैं, 10 टर्म है, 20 टर्म है, 50 टर्म है, कितने टर्म निकालना है हम लोगों को। n हमने अननोन रखा है, d क्या है आपका, ऑब्वियसली बात है 4 का टेबल है तो 4 ही रहेगा d तो अपना, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको, राइट, डिवाइड कर देते हैं। सो n इज इक्वल टू 59 प्लस 1, दैट इज 60 टर्म्स। सो देर आर बेसिकली 60 टर्म्स विच लाई बिटवीन 10 एंड 250, दैट आर मल्टीपल ऑफ 4। आई होप दिस थिंग इज क्लियर, नोट इट डाउन। सो दोस्तों, जो उम्मीद है कि आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में बात करेंगे हम लोग सम ऑफ टर्म्स की, राइट। तो सी यू सून, ख्याल रखिए अपना, नमस्कार। Everybody's getting geeked, bro. Stop the hate and let them neeks know.